चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उस खबर की बात कर लेते हैं जो दो दिन से सुर्खियों में है। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव पर बवाल मचा हुआ है। वेब सीरीज को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे बीजेपी नेता राम कदम पुलिस की हिरासत से बाहर आ गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे राम कदम को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था और उन्हें पुलिस स्टेशन में लेकर गई थी। राम कदम ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सामने भूख हड़ताल शुरू की थी। पुलिस के अधिकारी पहले उन्हें मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले राम कदम ने पुलिस पर FIR नहीं दर्ज करने का आरोप लगाया। पुलिस की हिरासत से निकलने के बाद राम कदम ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो वो अलग अलग इलाकों में तांडव करेंगे। मेरे साथ राम कदम है जिन्हें पुलिस ने डिटेन किया था, उनसे बात करना चाहेंगे कि सर क्या अंदर बात हुई है और क्या कोई आश्वासन दिया गया है। देखिए, देवी देवताओं को जिन्होंने गालियां बकी, देवी देवताओं का जिन्होंने अपमान किया, हमारे श्रद्धा का जो त्रिशूल है, डमरू है, उसका विडंबन किया, वे सारे बदमाश अपने एयर कंडीशन बंगलों में मजा कर रहे, बिरयानी खा रहे, और महाराष्ट्र की सरकार न्याय मांगने वाले राम भक्तों को जेल में डाल रही है, हमें डिटेन कर रही है। क्या कारण है? क्यों बचाना चाहती है जिन्होंने देवताओं का अपमान किया? अभी भी गोल गोल जवाब दिया जा रहा है कि लीगल ओपिनियन ले रहे। कौन सा लीगल ओपिनियन? 3 दिन लगते हैं लीगल ओपिनियन लेने के लिए। मुंबई पुलिस FIR दर्ज कराना चाहती है पर महाराष्ट्र की सरकार उन्हें रोक रही है। अब भी गोल गोल जवाब दिया जा रहा है। हम ने पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटों में यदि उन बदमाशों को समन्स भेज करके बुलाया नहीं गया पुलिस थाने, FIR दर्ज नहीं किया, तो हम पुनः सड़कों पर उतरेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक वे लोग जिन्होंने हमारी श्रद्धा को चोट पहुंचाई है, हमारा मखौल बनाया है हमारी श्रद्धा का, वे लोग जेल में नहीं जाते, हम चुप नहीं बैठेंगे। और सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई के घाटकोपर थाने के बाहर। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह खड़े हुए हैं। दिवाकर, जरा ये बताइए, ये जो बीजेपी नेता कार्यकर्ता और पुलिस के बीच गतिरोध बना हुआ है, उस पर अभी अपडेट क्या है? देखिए, इस मामले में प्रीति, अभी तक ना तो मुंबई पुलिस ने कोई रुख साफ किया है और ना ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है कि आखिर इस मामले में क्या एक्शन लिया जाएगा। 2 दिन पहले राम कदम इसी घाटकोपर पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने लिखित शिकायत दी थी पुलिस। उनका कहना था, उनका आरोप यह था कि पुलिस पहले इस मामले में जो है FIR दर्ज कर रही थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उन्हें फोन आता है जिसके बाद शिकायत ली गई। इसके बाद जो है आज जब वो पहुंचे थे घाटकोपर पुलिस स्टेशन दूसरी बार, वहां पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली कि आखिर FIR हो रही है कि नहीं हो रही है। जवाब मिला कि अभी लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक का अगर ताजा अपडेट देखें तो पुलिस ने इस मामले में कोई भी FIR नहीं ली है, जबकि लखनऊ की बात हो या फिर सोनभद्र की बात हो या फिर देश के अलग हिस्सों की बात हो, वहां पर FIR दर्ज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 2 पुलिस की टीमें आज रात को या कल सुबह तक मुंबई पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करते हुए इस मामले में अमेजॉन प्राइम के लोगों से और उस फिल्म से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ करेगी। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस की तरफ से अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं किया गया है। तांडव के खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बयान जारी कर माफी मांगी है। अली अब्बास जफर ने ट्विटर पर सीरीज में काम करने वाले सभी कलाकारों की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसी माफीनामे में अली अब्बास ने लिखा है कि उनकी वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी घटना से इसका जुड़ना महज एक संयोग मात्र है। उन्होंने आगे लिखा है कि वेब सीरीज की टीम का किसी धर्म, जाति, समाज या फिर किसी राजनीतिक पार्टी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था और अगर अनजाने में भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए वो माफी मांगते हैं, किसी को अगर ठेस पहुंची है। अली अब्बास की माफी के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, माफी काफी नहीं? देखिए, साफ तौर पर माफी जरूर मांगी गई है, लेकिन जो वेब सीरीज का कंटेंट है जिसको लेकर लगातार विरोध के सुर देश में उठ रहे हैं, उसको हटाने की बात उस माफीनामे में नहीं की गई है। सिर्फ ये कहा गया है किसी कहानी काल्पनिक है और अगर किसी घटना या किसी धर्म से इसका जुड़ता है तो जाहिर तौर पर महज एक संयोग है। इसी बात को लेकर लगातार विरोध की लहर जो है वो लगातार देश में उठ रही है और खास तौर पर
जबकि महाराष्ट्र में जो है ठाकरे सरकार है, उसके साथ कांग्रेस और एनसीपी सहयोगी हैं, तो ऐसे में बीजेपी के पास एक मौका है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और मांग साफ तौर पर यह कर रही है कि इस फिल्म से जुड़े, इस वेब सीरीज से जुड़े तमाम कलाकारों को समन किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए और सिर्फ माफी से ही नहीं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी देवी देवता का अपमान करने की हिम्मत कोई दोबारा ना करे। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस यही कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, कानूनी सलाह ली जा रही है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो है जिस तरह की बीजेपी आक्रामक हुई इस पूरे मुद्दे को लेकर, ठाकरे सरकार को जल्द ही